जो आगे है कि अदर हेडर एंड फुटर ऑप्शंस, तो देयर आर मैनी अदर हेडर एंड फुटर ऑप्शंस, ठीक है, देयर आर सो मैनी हेडर एंड फुटर ऑप्शंस यू कैन यूज टू डिज़ाइन दीज सेक्शन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को एक अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वी हैव सो मैनी ऑप्शंस ऑफ हेडर एंड फुटर। यू कैन रिव्यू हेडर एंड फुटर टूल्स डिज़ाइन टैब टू व्यू एंड एक्सप्लोर दीज ऑप्शंस। यू कैन रिव्यू द हेडर एंड फुटर टूल्स, आप हेडर एंड फुटर टूल्स को रिव्यू करेंगे और उस पर देखेंगे कि उसमें बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, तो उसके हिसाब से आप जो है ये देखिए यहाँ पे हेडर एंड फुटर टूल्स, यहाँ पे देखो डिज़ाइन डिफरेंट फर्स्ट पेज इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया जाए, डिज़ाइन होगा, टैब होगा, तो आपको क्या करना है कि इसमें से जो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एडिंग पेज नंबर। अब पेज नंबर कैसे ऐड करेंगे, तो वर्ड कैन ऑटोमेटिकली लेबल विद ईच पेज विद ए पेज नंबर। तो जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है ना, जो एमएस वर्ड में हम कुछ भी टाइप करते हैं, जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, तो उसमें क्या है, जो पेज नंबर है वो ऑटोमेटिकली उस पर लेबल होते हैं। एंड प्लेस इट इन ए हेडर और फुटर, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, हेडर और फुटर में प्लेस करेंगे इन द साइड मार्जिन। यू कैन ऐड पेज नंबर टू एन एग्जिस्टिंग हेडर और फुटर। आप जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है हेडर और फुटर उसमें आप पेज नंबर ऐड कर सकते हो, और यू कैन इंसर्ट पेज नंबर इनटू ए न्यू हेडर और फुटर, या फिर आप न्यू हेडर और फुटर सेक्शन में जाके इंसर्ट पेज नंबर दोबारा से भी उसमें इंसर्ट पेज नंबर कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे है कि टू ऐड पेज नंबर टू एन एग्जिस्टिंग हेडर और फुटर। अगर हमारे पास पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है हेडर और फुटर, तो उसमें पेज नंबर कैसे ऐड करेंगे, सेलेक्ट द हेडर एंड फुटर, सेलेक्ट करो, द डिज़ाइन टैब विल अपीयर, तो आपको डिज़ाइन टैब वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एंड वेयर यू वॉन्ट द पेज नंबर टू बी। आप मतलब कि इंसर्ट पॉइंट को वहाँ ले जाओ जहाँ पे आपने पेज नंबर इंसर्ट करना है। यू कैन प्लेस इट एनी वेयर एक्सेप्ट इन साइड ए कंटेंट कंट्रोल फील्ड। आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हो एक्सेप्ट सिवाय इसके कि आप उसको कंटेंट कंट्रोल फील्ड में, कंटेंट कंट्रोल फील्ड है जहाँ पे वहाँ पे नहीं लेके जाना, और आप कहीं भी आप जो है मतलब जहाँ पे कंटेंट लिख रहे हो उसमें नहीं लेके जाना, बाकी आप कहीं पर भी जो है प्लेस कर सकते हैं पेज नंबर। तो फ्रॉम द डिज़ाइन टैब से आपको पेज नंबर